हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड MCQs। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो अगर आप PGDE इकोनॉमिक्स या UGC नेट इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इन वीडियो से आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश ऑन। तो एस्टेब्लिशमेंट डेट, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन, सबके एस्टेब्लिशमेंट डेट, हेडक्वार्टर्स, ये दो चीज़ तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि मैचिंग में भी पूछ लिया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि कौन सा पहले एस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको सभी के जो डेट्स हैं वो याद होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1944, 45, 47 या 50। तो इस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एवरी मेंबर ऑफ IMF इज ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो IMF का मेंबर होता है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन जाता है। वर्ल्ड बैंक में 50 फाउंडर मेंबर्स हैं। इंडिया जो है फाउंडर मेंबर नहीं है वर्ल्ड बैंक का, IMF जो पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। तो करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर ए। जो IMF का मेंबर होता है वो किसका मेंबर बन जाता है, फिर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है IBRD, IDA, WHO, ICSID। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, WHO का पार्ट नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से। तो 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर जो है वर्ल्ड बैंक बना है। पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड है हमारा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC। फोर्थ है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड फिफ्थ इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो WHO का पार्ट नहीं है। आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आ गया, हेडक्वार्टर है इसका Washington DC में वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट ऑफ हाउ मैनी करेंसी। तो कितनी करेंसीज हैं। तो करेंसीज हैं इसमें 5। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो कौन कौन सी करेंसी हैं इसमें, US डॉलर है, जैपनीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, चाइनीज युआन है और यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ द लार्जेस्ट वेटेज इन द डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ SDR। तो कौन किसकी वैल्यू ज़्यादा है। 5 बताई थी, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इन चारों में से किसकी ज़्यादा, तो US डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज IMF एस्टैब्लिश। IMF कब एस्टैब्लिश हुआ था। IMF एस्टैब्लिश हुआ था December 27, 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF हेडक्वार्टर। तो IMF का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, Washington DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड को किसके नाम से, पेपर गोल्ड किस कौन जाना जाता है, किस नाम से, स्पेशल ड्राइंग राइट को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर कंट्री मेक पब्लिक द IMF रिपोर्ट अबाउट देयर कंट्री। तो कितने परसेंट मेंबर जो है कंट्री जो है मेंबर कंट्री वो अपनी रिपोर्ट जो है किसके अपनी कंट्री की रिपोर्ट जो किसको देते हैं, पब्लिक करते हैं IMF को। 5%, 15%, 50% या 90%। तो 90% डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ IMF चार्ज ऑन इन इट्स डिफरेंट लोन टू मेंबर कंट्री। तो लीस्ट जो है 0% इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है, हाउ मच IMF डेडिकेट टू कंट्री ए कैपेसिटी डेवलप फ्रॉम इट्स ओवरऑल बजट। तो कितना करता है ओवरऑल बजट से, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इस फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू IMF। IMF का फंक्शन नहीं है प्रोजेक्ट लैंडिंग, फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी असेसमेंट। तो प्रोजेक्ट लैंडिंग जो है इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल मेंबर कंट्री कितनी है IMF की। टोटल मेंबर कंट्री है 190। वोटिंग राइट इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर डिटरमाइन द बेसिस ऑफ। अब जो वोटिंग राइट है वो किस पे डिपेंड करता है एक कंट्री का, किस पे, साइज ऑफ द इकॉनमी, इकॉनमी का साइज कितना है। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी करेक्ट है, ये लोन दे सकता है किसी भी कंट्री को, ये लोन देता है केवल डेवलपिंग कंट्री को, ये लोन करता है मेंबर कंट्री को, ये लोन देता है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री को। तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री को ये क्या करता है, लोन देता है जो उसकी मेंबर्स कंट्री होती है उनके। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो। तो सॉफ्ट लोन विंडो जो है वर्ल्ड बैंक का उसे किसे कहा जाता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सॉरी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, सॉरी गलत हो गया, एक ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री हु हैज़ रिसीव्ड द लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो पहली कंट्री कौन थी जिसको लोन मिला था वर्ल्ड बैंक से, तो वो थी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड बैंक इज रिकग्नाइज्ड मेंबर ऑफ, किसका है रिकग्नाइज्ड मेंबर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश क्यों किया गया था वर्ल्ड बैंक को,
कि जो वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो डैमेज हुआ था उसकी वजह से उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।